सिटी न्यूज वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं रीवा के ऐतिहासिक किला प्रवेश द्वार की ओर, जिसे लोग फांसी घर के नाम से जानते थे। यह इमारत रीवा में किले के प्रवेश द्वार पर स्थित है। जब हमने इतिहास के पन्नों को खंगाला तो पता चला कि जिसे लोग फांसी घर के नाम से जानते हैं वह फांसी घर नहीं बल्कि रियासतकालीन वॉच टावर था, जिसे तत्कालीन रीवा महाराजा रघुराज सिंह ने चारों ओर निगरानी रखने व एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए बनवाया था। इतिहासकारों की माने तो बुंदेला राजाओं ने 18वीं शताब्दी में रीवा में आक्रमण करके विजय श्री हासिल की और जीत के उपलक्ष में इस जगह पर अपना कीर्ति स्तंभ बनवाया। बदलते वक्त के साथ रीवा राजघराना, या यूं कहें कि बघेल राजवंश, फिर से मजबूत हुआ और फिर शुरू हुआ इस जगह को तोड़ने का सिलसिला। दरअसल रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह बुंदेला दरवाजे को गुलामी की निशानी मानते थे, इसलिए उन्होंने 1865 में इसे गिरवा दिया और 250 साल पहले बनी इस इमारत को तोड़कर वॉच टावर बनाया गया। मकसद था रीवा के चारों ओर के इलाके की चौकसी करने का। जबलपुर को इलाहाबाद बनारस से जोड़ता हुआ इस रास्ते को देखने 50 कोस दूर तक देखने के लिए दूरबीन के माध्यम से नज़र रखी जाती थी। वह दूरबीन रीवा के राजाओं ने हॉलैंड से मंगवाई थी। साथ ही साथ तत्कालीन महाराजों ने एक ऐसी तकनीक भी विकसित करवाई थी जिसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिग्नल भेजकर पूरे राज्य पर संदेशों का आदान प्रदान किया जा सके। इसके ऊपरी टावर पर बिहार बिछे नदी के संगम पर बने किले के ठीक सामने यह वॉच टावर आज भी मौजूद है। टावर के भूमितल पर कोतवाली दफ्तर एवं हवालाती वार्ड था, जिसमें चार दरवाजे थे जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार था। इसके ऊपर इटैलिक एवं ब्रिटिश शैली की पट्टिका है। पुराने समय में इस टावर के आखिरी मंजिल में हॉलैंड निर्मित दूरबीन लगी हुई थी, जिससे कोसों दूर की गतिविधियां देखी जा सकती थी। उसी मंजिल में एक सिग्नल भी लगवाया गया था, जिससे एक जगह से दूसरे जगह तक सिग्नल भेजे जाते थे। टावर के आखिरी मंजिल में चढ़कर गोविंदगढ़, गुड़, सतना व शारदा देवी मैहर मंदिर को आसानी से देखा जा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ इतिहासकार असद खान की जुबानी। देखिए, जो वॉच टावर है ये काफी पुराना है। इसके पहले दरअसल ये 1865 में बना ही है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये जो वॉच टावर है ये लगभग 80 फीट ऊंचा है और पूरा ये इसकी जो शैली है, इसकी ये इटैलिक शैली या यूरोपियन शैली कह सकते हैं इसे। दरअसल इसके पहले इस टावर के पास एक दरवाज़ा था, बुंदेला दरवाज़ा कहते थे इसे। बुंदेलों ने रीवा राज पे 1726 पे हमला किया था और अपना एक विजय द्वार बनवा दिया था। महाराजा रघुराज सिंह जब कार्यकाल में आए तो उनको लगा कि ये एक गुलामी का प्रतीक है, तो उन्होंने दीवान दीन बंधु पांडे से कहा कि इसको गिरवा दो। तो दीवान दीन बंधु पांडे जो रीवा राज के दीवान थे, उन्होंने इसे गिरवा दिया। और उस वक्त जो है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे उनके जो एजेंट हुआ करते थे वो थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि चूँकि 1857 की क्रांति में जो ये जीटी रोड है, NH7 ये जो मेन रोड जाती है ये अपना ये कलकत्ते की तरफ जाती है जो अपनी रोड है, तो इस रोड से क्रांतिकारी गुजरते थे, तो उन पर निगाह रखने के लिए एक किस्म। और इसके ऊपर आप जब चौथे मंजिल में जाएंगे तो लगभग 4x4 का एक वहाँ पे प्लेटफार्म जैसा है, उसमें एक हेलू लगा था, दूरबीन लगी, हॉलैंड की दूरबीन थी, 5 फुट की दूरबीन थी वो। तो चूँकि महाराजा रीवा का जो मेन बांधवगढ़ था, तो बांधवगढ़ में और रीवा संदेश भेजना है तो उसकी दो विधि थी। एक विधि ये थी के कबूतर के पाँव में टांग पे खत बांध के उनको उड़ाया जाता था, प्रशिक्षित हुआ करते थे। दूसरी विधि ये थी कि अगर कोई रीवा राज पे संकट हो जाए, यहाँ पे रीवा में संकट हो जाए या किसी जगह कोई संकट हो जाए तो उनको मैसेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे ऊंचे वाले में जो इमारत है वॉच टावर, इसके ऊपर एक हेलू सिस्टम, सिग्नल सिस्टम उसमें महाराजा वेंकटवन सिंह जमाने में लग चुका था। वो उसका जो सिग्नल का जो कनेक्शन था छुया घाटी से था, छुया घाटी में सिग्नल था,
और इस तरह जो रीवा राज के अंदर अंदर ऊंची ऊंची जो चोटियाँ थी पहाड़ियों की, उन चोटियों पे उस सिग्नल रखे गए थे। अगर यहाँ पे जो सिग्नल जो मास्टर था वो कोई सिग्नल करेगा तो छुईया वाला समझ जाता था कि क्या सिग्नल है, वो आगे मैसेज कर देता था। इस तरह से बांधवगढ़ तक पूरे सिग्नल पहुँचते थे। उन सिग्नलों को पढ़ने के बाद वो समझ जाते थे कोड के क्या है और क्या सिग्नल किया गया है। इस वाच टावर में अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको शारदा देवी की चोटी दिखेगी मैहर की, इसमें गुड़ दिखेगा, इसमें गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ दिखेंगी, गोविंदगढ़ का, और इसमें सतना तक इसमें देखा जा सकता था। मैं इसमें 25 साल पहले चढ़ा था तो उस वक्त हमने इसका दृश्य देखा था। और रीवा का नया रीवा या पुराना रीवा जो है, आप इसके ऊपर से पूरे दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं, आपको दिखेगा। और इस तरह से ये निगरानी के लिए मीनार बनाई गई थी। इसमें कभी फांसी नहीं हुई, इसमें लोग कहते हैं फांसी हुई है, इसमें कभी कोई फांसी नहीं।